हेलो, वेलकम टू माय चैनल फुलवारी फार्म, फिशरीज़ एंड एग्रीकल्चर चैनल। हम आपको आज देखिए दिखाने जा रहे हैं कि कैसे फिश फार्मिंग में हैचरी का काम होता है। आज हम ये महमूदाबाद आए हुए हैं। महमूदाबाद में महमूदाबाद फिश फार्मिंग स्पॉन उत्पादन केंद्र हैचरी, देखिए ये कैसी होती है हैचरी, उसका आज आपको पेश करेंगे नमूना। ये है महमूदाबाद फिश फार्मिंग हैचरी, और हैचरी में होता यह है कि इसमें आईएमसी का या किसी भी फिश मछली का बच्चा जो है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, बड़े मछली से बच्चे छोटे बच्चे का प्रोडक्शन। ये देखिए यहाँ पे ये रखा हुआ हम ले जा रहे हैं, ये पूरी हैचरी है, ये बना हुआ है देखिए इनका तुपेल साहब है, इनका ये बना हुआ है ये सब हैचरी का पूरा प्रोजेक्ट। ये बड़ा टैंक है, बड़े टैंक में ब्रूडर रखा जाता है इसमें, ये जो ये टैंक है इसमें ब्रूडर रहता है, जो मछली बड़ी वाली होती है जो बच्चे देगी अंडे। और ये देखिए मछली के बच्चे का टैंक, ये स्पॉन इसमें घूम रहा है, इसको ज़िंदा रखने के लिए इसमें ऑक्सीजन और ये पानी की सप्लाई देते रहना पड़ता है, ये घूमता रहता है, इसमें बच्चे हैं। और ये इधर बच्चा देखिए कैसे निकाला जा रहा, तौल हो रही है बच्चे की। ये देखिए ये बच्चा है, इसमें बिल्कुल छोटा, मच्छर से भी छोटे साइज का बच्चा ये निकाला गया है। अब ये उसमें पैक करा जाएगा, ले चल के जा रहा है। अब ये पैकेट्स में पैक होगा, ऑक्सीजन लगाई जाएगी। अभी हम आपको बस वो भी दिखाते हैं कैसे पैकिंग करेंगे। देखिए ये पैकिंग हो रही है स्पॉन की। स्पॉन कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है, अभी 48 घंटे, कितने घंटे का है ये, 80-90 घंटे का बच्चा है ये। ये है लीटर, तो नपना होता है नाप के लिए, एक लीटर ये बच्चे के साथ लीटर के हिसाब से नापा जा रहा है। ये पतीले से पैकेट में डाल दिया गया बच्चा, ये देखिए इसमें ये बना हुआ, ये देखिए बच्चा ये। और अभी इसमें ऑक्सीजन लगाई जाएगी, ये ऑक्सीजन लगाते हुए हमारे तुफैल भाई जिनका ये फार्म है, हैचरी है इनकी, ये ऑक्सीजन का ये बलून की तरह बना दिया। ये देखिए ये थोड़ा दिखाइए, इधर नीचे करिए, ये देखिए ये सब जिंदा स्पॉन इसमें टहल रहा है, और ये ऊपर ऑक्सीजन है। ये कितने घंटे तक चला जाएगा, 12 घंटे, ये 12 घंटे तक ये बच्चा चला जाएगा। तो ये है पूरा सिस्टम, कैसे बच्चे की पैकिंग होती है, कैसे ऑक्सीजन लगाई जाती है। ये देखिए यहाँ से पूरा सब, सब कस्टमर आए हुए हैं लेने के लिए, सब लोग यहाँ जमा है। कस्टमर यहाँ से लेके 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक आराम से, और ज़्यादा ही जगह जाता है। 12 घंटे है तो मान के चलिए कि आप 500 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं बच्चे को। तो महमूदाबाद फिश फार्म, महमूदाबाद हैचरी जो लखनऊ के पास है, बाराबंकी लखनऊ से, आप आराम से सिटी से आ सकते हैं, यहाँ से बच्चा ले सकते हैं। ये देखिए सब गाड़ियाँ आई हुई हैं लेने के लिए, और ये इधर के बाहर का नज़ारा है।
अभी हम इनके मालिक से बात करेंगे, वो उनके विचार थोड़ा सुनेंगे। तो फैल भाई आ रहे हैं, इन्हीं का ये फार्म, ये हैचरी जो है इन्हीं की है। और ये देखिए ये, हाँ तो तुफैल भाई कैसे हैं आप? जी बढ़िया। ये जो है हैचरी आपकी है जी, जी। तो ये कब से शुरू किया आपने? 2019 से, लॉकडाउन के बाद शुरू किया। अच्छा, जब सारे बिजनेस फ्लॉप हुए तो फिश फार्मिंग ने हमें एक अच्छा नई राह दिखाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो ऐसे काम ढूंढ ही रहे थे कि ये जो लॉकडाउन के बाद जो शुरू हुए काम, उससे जो है ये आपने एक दिशा दिखाई कि कैसे, रास्ता दिखाया कि कैसे, मतलब डेवलप किया बिजनेस को फिश फार्मिंग। हमारे पास उत्तर प्रदेश आसपास के सूबों के लगभग 100 से ज़्यादा किसान हैं जुड़े हुए हैं आपसे, जो इस पान का, बच्चे का, फिंगरलिंग का, पंगास का और मछली से रिलेटेड जो भी काम है उसके सबसे जुड़े हुए अपने से और बेहतर रोजगार कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाओं के तहत बहुत सारे तालाब खुद रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है। एक सरकार की अच्छी योजनाएं भी दे रही है, इसकी वजह से फिश फार्मिंग एक अच्छा बिजनेस का एक स्रोत है। अच्छा, आप ये इसमें ज़रा सा बताइए कि इसमें जिसे आपने एक पैकेट्स में डाला है तो ये कितना कितना इसमें आता है? एक लीटर जो बच्चा होता है उसमें तकरीबन 3 से 4 लाख बच्चा होता है एक लीटर स्पॉन में। 3 से 4 लाख? 3 से 4 लाख। इसका सर्वाइवल क्या है जैसे आप तालाब में डाल रहे हैं? तालाब में आपका 20-25% भी बच जाए तो आप ये मान के चले 4-5 लीटर स्पॉन में 200 क्विंटल बच्चा तैयार हो सकता है ठीक ठाक ढंग से, अगर अच्छा उसका। इसके बाद तो ये भी काम हो सकता है जैसे हम लोग करते हैं वहाँ पे फुलवारी फार्म से, यहाँ से लिया मतलब मंगा के स्पान से फिर बड़ा करके बेच सकते हैं ना? यही रहता है कि आप डे बाय डे इसको फीड देना है और जैसे फीड मतलब इन द सेंस वो वाला ना नॉर्मल खली पॉलिश, जाल चलाना है। हाँ, खली पॉलिश है या कभी कुछ लोग जो कंपनी बेच फीड होते हैं वो महंगे पड़ते हैं, हम लोग तो नेचुरल फीड जो रहता है ज्यादा बेहतर रहता है। और टाइम टू टाइम उसमें जाल चलाना है और 10 से 15 दिन के अंदर आप इसको जब बड़े तालाब में कर देंगे तो 1 महीना से 40 दिन के अंदर ये सब फिंगरलिंग में आकर के आप बहुत अच्छा इससे प्रॉफिट उठा सकते हैं। चलिए बढ़िया है, अच्छा लगा आपका काम। और आपको जो फुलवारी फार्म के बारे में बताइए, हम लोग आए हैं, भाई का पूरा सपोर्ट रहता है, टाइम टाइम से पूछते भी रहते हैं कि भाई क्या है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो भाई की पूरी गाइडलाइन रहती है। और ठीक है, बच्चे के लिए भी भाई से ही संपर्क कर सकते हैं, चाहे स्पान हो चाहे फिंगरलिंग हो, कोई भी हो, किसी जी भी हाँ, समस्या हो आप भाई से ही संपर्क कर सकते हैं। जी जी जी, इसके लिए आप संपर्क करें फुलवारी फार्म महमूदाबाद फिश फार्मिंग, और जो है इसका एड्रेस आपको लिंक में दे दिया जाएगा और हमने दिखा दिया है, उसमें जो है आप संपर्क कर सकते हैं। आप फुलवारी फार्म से भी डायरेक्ट संपर्क करिए, हम यहाँ पर आपको सब गाइड कर देंगे कहाँ पर कहाँ पर जाना है कैसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, और फिर आपको जानकारी देते रहेंगे नई नई जानकारी। जैसे अब आज हैचरी दिखाया, कल फिर कुछ नया वो दिखाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, सब्सक्राइब करिए चैनल को।